देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिला देहरादून के जनजातीय क्षेत्र के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर PWD साहिया के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से पहाड़ों को तोड़कर अवैध खनन कर पुश्तों व जालों का निर्माण कर वारे न्यारे कर रहे हैं। बताते चले कि जब PWD साहिया के जिम्मेदार सहायक अभियंता उनियल से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि पहाड़ से पत्थर निकालने की कैंटोनमेंट बोर्ड से परमिशन ली हुई है। गौरतलब है कि खबर से उनसे संवाददाता ने तहकीकात की और SDM कालसी डॉक्टर अपूर सिंह से इस बारे में वार्ता की तो जहां अवैध खनन कर पत्थर निकाले जा रहे हैं वह एरिया राजस्व विभाग के अधीन आता है न कि कैंटोनमेंट बोर्ड के। समझने वाली बात है कि ठेकेदार की ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते यह सब खेल चल रहा है, शासन प्रशासन मौन बैठा है। जबकि आपका नाम अच्छा रविंदर सिंह जी, ये बताएं कि जो ये पत्थर निकाले जा रहे हैं इसके अंदर से, ये किस लिए निकाले जा रहे हैं और किसके आदेश से निकाले जा रहे हैं? ये पत्थर इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ काम चल रहा है और रोड चौड़ी हो रही है तो ये पत्थर कहीं आगे नहीं जा रहे, पत्थर यहीं पर यहीं निकालेंगे और यहीं चलेंगे। रोड तो चौड़ी हो रही है, रोड तो यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी चौड़ी है। सर ये जो रोड यहाँ से चौड़ी है यहाँ पे ये मिट्टी डाली है, यहाँ पे कोई इसके नहीं स्लाइडिंग है, यहाँ दीवार लगेगी और इस ऊपर जाल भर जाएंगे और आपके इस साइड में जाल भर जा रहे हैं, ये कोई पत्थर आगे नहीं जा रहे हैं, पत्थर ही नहीं तो ये पत्थर जो है जालों में मेन चीज़ ये है कि यहाँ से पत्थर निकाला जा रहा है। अच्छा ये इसमें किससे अनुमति ले रहे कि आप लोगों ने इसको पत्थर निकालने के लिए खनन के लिए इसके लिए? सर ये खनन नहीं हो रहा है, ये तो खनन नहीं है, खोद के खनन नहीं है, ये इसके बारे में काफ़ी चर्चा पहले ही हो चुकी है, खनन नहीं है, ये रोड चौड़ी हो रही है और हमने जिसने काम लिया उससे हमने ये लिया कि हमें ये जितनी हमें रोड चौड़ी चाहिए रोड पूरी चाहिए और ये पत्थर अगर आगे जाते खनन उसको कहा जाता है, ये पत्थर यहीं लगेंगे जहाँ से हम निकाल यहीं लगेंगे, कहीं आगे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं ये जो ये पोर्शन है ये ऑलरेडी पक्का पोर्शन है, रोड चौड़ी हो रही है तो रोड चौड़ी होने के लिए फिर ये सारा ही एक साथ निकाला जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है इसमें तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर निकाले जा रहे हैं? सर ये पत्थर निकाले जा रहे हैं, ये जो छोटा है इसके लिए क्या कहते हैं जो यहाँ पे WBM हो रहा है उसके लिए यहाँ पे पत्थर निकले हैं, पत्थर निकाले गए हैं। किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है काम? सर ये कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा? कंपनी नहीं, विभाग कौन सा है? PWD है? PWD। कंपनी कौन है? कंपनी मास्टर कंपनी। मास्टर कंपनी, धन्यवाद। ये जो सैया से आगे सेंज गांव पड़ता है वहाँ भूतिया घूम बताते हैं, उस जगह पे बड़ी चट्टान को ठेकेदार और PWD विभाग के द्वारा अवैध खनन करके पत्थरों का इस्तेमाल वहीं पर लोकल पुश्तों में किया जा रहा है और वहाँ पर पर्यावरण को भी नुकसान है और वो ऐसा डेंजर पोर्शन है कि दरारें आई हुई है, कभी भी और ज़्यादा गिर सकता है। इस संबंध में हमने PWD से भी जानकारी चाही लेकिन उन्होंने कैमरे के आगे आने से मना किया। मैम ये बताएं उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कल ही हमारे संज्ञान में मैटर आया है और मेरे पास एक दो वीडियोस भी आने चली थी तो मैंने विभाग से भी बात करी है और मौके पे जाकर के मेरा स्टाफ भी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी मौके पे जाकर के खुद से और जो भी कोई इस तरीके का इलीगल जो कर रहे हैं वो लोग खनन या पत्थर उठा रहे हैं बिना किसी की परमिशन से तो उन पे उचित जो कार्रवाई बनेगी, उनके जो ट्रैक्टर्स हैं और जो भी उपकरण वो यूज़ कर रहे हैं तो सबको सीज भी किया जाएगा और जल्द ही जो उस पर एक्शन हुआ है वो आप लोगों को उसको जो रोक लगी थी वो उसी क्षेत्र में मैम वहाँ जाल भरे गए उन्हीं पत्थरों के, उस पर भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? उनसे जिस भी विभाग की वो रोड होगी जैसे PWD की जिस भी विभाग की रोड होगी तो उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि ये आपने जो दीवार खड़ी करी है उसके लिए आपने पत्थर कहाँ से उठाया, पहले तो वो उसको अपने पेपर्स में दिखाएंगे कि उन्होंने उसका प्रस्ताव लिया होगा, कौन उसको टेंडर गया होगा या कैसे वो लोग बना रहे हैं उसको, तो उनसे उसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा तो अगर वो कागजी रूप से अगर वाजिब होगा तो उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो उसका स्पष्टीकरण होते हैं।